चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ ही माता दुर्गा के लिए अखंड दीप जलाई जाती है। मान्यता है कि यह अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए और बुझनी नहीं चाहिए, वरना अपशगुन होता है। लेकिन किसी कारण से अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें? और नवरात्रि के बाद इस अखंड ज्योत का क्या करना चाहिए, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अखंड ज्योत 9 दिनों तक ही जलाएं, और अगर आपने 3 या 5 दिन अखंड ज्योत जलाने की मानी है तो माँ से हाथ जोड़कर विनती करें और उन्हें कारण बताते हुए अपना उद्देश्य साफ रखें। ऐसे में आप 3 या 5 दिनों तक अखंड ज्योत जला सकते हैं। अब बात करते हैं अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। मान्यता है कि अखंड ज्योति अगर बुझ जाती है तो डरे नहीं, बल्कि इसके लिए भी माँ दुर्गा से ही क्षमा मांगे। साथ ही इसकी अधजली बाती को हटाकर नई बाती लगाकर अखंड ज्योति को दीपक के बीचों बीच रखे जाने वाले जलते रक्षा सूत्र से जलाएं, या अखंड ज्योति के पास रखे जाने वाले दीपक से इस ज्योति को जला दें। इसके अलावा अगर अखंड ज्योत की बाती बदलनी हो तो इस बाती से पास के दिए को जला लें, फिर अखंड दीपक में नई बाती और घी भरकर उसे फिर से इस दिए से जलाएं। छोटे दिए को जलने दें, बुझने के बाद हटा दें। सबसे अच्छा है अखंड ज्योति की बाती बुझने लगे तो उसमें नई बाती डाल दें, इससे ये ज्योति खंडित नहीं मानी जाती। अखंड ज्योति 9 दिनों तक चले इसके लिए 1.25 बाती से ज्यादा लंबी बाती दिए में जलाएं, और अगर बाती बुझने के करीब है तो पहले ही नई बाती इसमें जोड़ दें, इससे वो ज्योति खंडित नहीं होगी। वहीं दीपक में 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर बीचों बीच रखना जरूरी है, ताकि किसी कारण दीपक बुझ भी जाए तो जलते रक्षा सूत्र से ज्योति जलाई जा सके। वहीं नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर दीपक जलता रहे तो फूंक मारकर उसे बुझाए नहीं, बल्कि अखंड ज्योत को स्वयं ही ठंडा होने दें। इसके बाद आप चाहें तो इसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, और अगर ये किसी धातु का है तो इसे धोकर साफ कपड़ों में बांध कर रख दें और अगले साल फिर इसी का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।